press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू, जो कि वो देंगी पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार फखर यूसुफ़ज़ई को, जिसमें ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत पे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बुरा हुआ कि उसने जाकिर नायक को बुलाया, हालांकि कचरा कहाँ गिरता है, कचरे के टब में ही गिरता है, लेकिन फिर भी जो अच्छे लोग हैं पाकिस्तान में, जो मुस्तकिल मिजाज के लोग हैं पाकिस्तान में, जो तहजुब मिजाज और तासुब रखते हैं पाकिस्तान में, जो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, जो रिफॉर्मेशन चाहते हैं पाकिस्तान में, ये उनके लिए बहुत बुरा हुआ है। हालांकि ये जाकिर नायक के लिए बहुत बेहतर हुआ है कि उसको छत एक जगह छत मिल गई है और पूरे इज्जत इज्जत के साथ और मान मर्तबा के साथ एक भगोड़े को छत मिला है। अच्छा नाजिया, एक तो ये बताइएगा कि वो यहाँ पे 28 अक्टूबर तक आए हैं ऑलमोस्ट एक महीने के लिए, एक पॉइंट तो ये। अच्छा फिर दूसरा, इंडिया में बिल्कुल उनके खिलाफ, बल्कि ये खुद उन्होंने बोला, मैंने उनकी कुछ क्लिप्स कुछ दिन पहले जब वो पहुंचे भी नहीं थे तो एक पॉडकास्ट के मैंने क्लिप्स देखे, तो वहां उनसे पूछा गया कि आप इंडिया क्यों नहीं जाते, उसने कहा चला तो जाऊंगा लेकिन फिर वापस नहीं आऊंगा। ये बाकायदा उनका क्लिप मैंने सुना। अच्छा क्या क्या चीजें ऐसी हैं? फिर दूसरा ये कि क्या बाकी दुनिया के, मैं दुनिया से मेरा मुराद सिर्फ पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ना सिर्फ मलेशिया की बात करूँ, बाकी दुनिया यूरोप यूनियन है, अमेरिका है, कनाडा है, अरब मिडिल ईस्ट है, वो भी कुछ इस किस्म की वो कंसर्न्स रखते हैं या फिर वो बात करते हैं कि हाँ वो टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व था, जिस तरह बहुत सारे आपने उसामा बिन लादेन की बात की, अलकायदा की बात है, इस तरह के और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसको डिक्लेयर किया गया, तो ऐसा कुछ है उनके हवाले से इंटरनेशनली? हाँ, इंडिया में तो केसेस हैं। नहीं नहीं, आप गूगल में ही सिर्फ सर्च कर लीजिए, मैं पेपर्स क्या दिखाऊं, हालांकि मैं कुछ पेपर्स लेके भी बैठी हूं। ठीक है, कोई मसला नहीं, ठीक है, लेकिन मैं पेपर्स क्या ही दिखाऊं और कितने पेपर्स दिखाऊं, बिल्कुल ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि गूगल में जो कोई भी मेरी बात से अग्री नहीं कर रहा है वो सिर्फ गूगल में सर्च करे कि लिस्ट ऑफ केसेस इन वर्ल्ड अगेंस्ट जाकिर नायक, तो खतर से भी मिल जाएंगे, यूएई से मिल जाएंगे, सऊदी अरबिया से मिल जाएंगे, मलेशिया से मिल जाएंगे, ईरान से मिल जाएंगे, तेहरान से मिल जाएंगे, तुर्किस्तान से मिल जाएंगे उसके, क्योंकि उसका एक ग्रोथ, एक टीम थी, जैसे अलकायदा की टीम काम करती है, जैसे लश्कर-ए-तैयबा की टीम काम करती है, जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैश-ए-मोहम्मद के ऑर्गेनाइजेशन वाले काम करते हैं, जैसे उसामा बिन लादेन के टेररिज्म ग्रुप काम करते थे, जैसे हिजबुल्ला जो अभी लेबनान का जो हुआ है उसका पूरा एक टीम काम करता था, नबील काउक का पता भी चला कि वो 1983 में ही वो ज्वाइन किया था और उसने बहुत सारे देशों में अपनी ऑर्गेनाइजेशन की हिजबुल्ला की पूरी टीम बना करके रखी थी। तो उसी तरीके से जाकिर नायक की भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की टीम सिर्फ भारत में नहीं थी, बल्कि कई मुल्कों में जाकर के वो पूरी टीम रेडी हो रही थी, भारत ने उसका बाड़ा फोड़ा था, क्योंकि भारत उसको पहले बहुत रिस्पेक्ट दे रहा था, एक बंदा है जो इस्लाम की खूबसूरती बताता है, भारत उसको पहले बहुत मान सम्मान दे रहा था, वो जहां जहां चाहता था और भारत के जिस जिस राज में चाहता था वहां वहां वो अपना वो वाला पूरा तबलीग का और इस्लाम का वो प्रचार करता रहता था, और कोई भी पुलिस परमिशन भी उसको दिया जाता था। हालांकि जब तक उसको मान सम्मान मिल रहा था कि वो एक इस्लामिक प्रीचर है और एक स्कॉलर है, वो अपने इस्लाम का प्रचार करता है, तब तक उसको परमिशन के लिए कभी कोर्ट तक नहीं जाना पड़ा, एक पुलिस स्टेशन में इंटीमेशन देने से ही उसको परमिशन मिल जाता था। हालांकि इतने बड़े बड़े मंच का, इतने बड़े बड़े स्टेज के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी को भी ना हाई कोर्ट से या लोअर कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है, पर क्योंकि हमारा देश डेमोक्रेटिक है, क्योंकि हम बहुत लिबरल है, क्योंकि हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म को बहुत मान्यता दी जाती है, तो वो आराम से करता था। लेकिन जब धीरे धीरे उसके खुद के टीम के लोगों ने, कभी उसके कैमरामैन ने, कभी उसके स्पॉट बॉय ने, और जिन लोगों को वो एक्ट करवाया था कन्वर्शन का, वो एक्ट वाले लोग जब आकर के कैमरा के सामने बोलना स्टार्ट किए कि
कि भाई ये तो पाखंडी है। और उसके बाद फिर उसके खुद के स्कूल से जब टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेनिंग रंगे हाथ पकड़ी गई, तब जा करके ये बात खुली और सारे देश जहां जहां उसकी टीम बैठी हुई थी और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की, सबने जब इंक्वायरी किया तो सबको पता चला कि इंडिया इज राइट। नहीं लेकिन नाजिया एक छोटी सी चीज, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। अच्छा अगर ये इतना कुछ और आता, मैंने कहा कि जब पीस टीवी पाकिस्तान में आया करता था, काफी सालों पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ, काफी साल हो गए कि मैंने, मुझे तो कम से कम कहीं नजर नहीं आता। डिश पे अगर आता हो आता होगा, लेकिन जो बाकी केबल होता है उस पर कहीं पे भी, पूरे पाकिस्तान की मैं आपको बात बता रहा हूँ, वहां पे नहीं आता, नहीं है जी, बिल्कुल बैन कर। तो ये पता नहीं चला मतलब इंटेलिजेंस इदारों को इंडिया के, कि ये इतने बड़े बड़े गैदरिंग्स करवाता था। हम तो यहाँ पाकिस्तान में बैठ के देखते थे, हमें तो नहीं पता था कि मतलब ग्वालियर में बैठा हुआ है, कि मतलब किसी न्यू दिल्ली में है, मुंबई में है, मतलब किसी और शहर में बैठा हुआ है, कहाँ पे बैठा हुआ है, लेकिन बड़े बड़े गैदरिंग्स करवाता था। तो नहीं पता चला कि इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे, क्योंकि काफी सालों तो मैंने कहा कि पाकिस्तान में हम लोग देखते रहते थे। देखिए फकर भाई, अब मुस्कान ने हमारे भारत में हिजाब के लिए अपनी आवाज उठाई थी, एंड फॉर गॉड से अपनी माँ की कसम मैंने मुस्कान का समर्थन किया था, मैंने इवन ट्वीट भी किया था कि ये लड़की शेरनी है सच में। और ठीक है, अपने फंडामेंटल राइट्स मांग रही है कि भाई उसको हिजाब पहनना है, तो मैं किसी भी रिलीजन को, किसी के फंडामेंटल राइट को छीनने की कोई जरूरत नहीं है। इफ शी वॉन्ट टू वेयर हिजाब, हालांकि मुझे पता है कि हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम, लेकिन अगर कोई चाह रहा है तो छोड़ो यार, पहनने दो उसको, ठीक है। लेकिन जब जैसे ही मुझे पता चला कि भाई वो तो अलकायदा के चीफ की कीप है, अलकायदा का चीफ उसके लिए मतलब फंडिंग कर रहा है, अलकायदा का चीफ उसके लिए मैसेज भेज रहा है, अलकायदा का चीफ उसको सेव करके भारत से नहीं, जब उसके ऊपर NIA और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के केसेस स्टार्ट हो गए, तो अलकायदा ने ही उसको गायब करवा करके अभी किसी देश में छुपा करके रखा हुआ है। तो जब कोई अच्छे एक अपने फंडामेंटल राइट के लिए या अपने रिलीजन का प्रचार करता है, तो भारत कभी भी उसको इंटरवीन नहीं करता है, या भारत की सरकार या भारत की पुलिस उसको कभी कुछ मना नहीं करती है कि ठीक है भाई, अगर कोई अपना खुद का कुछ कर रहा है तो इट्स ऑल राइट, क्योंकि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है कि हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, अपने रिलीजन के बारे में बात कर सकते हैं, या हमको जीन्स पहनना है तो हम जीन्स पहन सकते हैं, हमको हिजाब पहनना है तो हम हिजाब पहन सकते हैं। लेकिन हमारा पुलिस प्रशासन या हमारा कोर्ट, हमारा महामहिम अदालत तब इंटरवीन करता है जब उनकी टेररिज्म और क्रिमिनल एक्टिविटीज सामने आ जाती है, तब इंटरवीन करता है। तो जैसे मुस्कान की का कनेक्शन अलकायदा से सामने आया, तो भाई सारे जितने भी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट थे सबने इंटरवीन किया। तो उसी तरीके से जाकिर नायक का जब टेररिज्म एक्टिविटीज सामने आया, तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने और महामहिम अदालत ने इंटरवीन किया। लेकिन पकड़ा क्यों नहीं फिर इसको, मतलब चला गया और वो फिर पकड़ा भी नहीं? देखिए, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सरबराह बन करके उसको सपोर्ट कर रहा था, और आज तो उसने अपने पॉडकास्ट में खुद कहा है कि भारत में रह करके उसकी बातचीत जो है वो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से होती थी, तो क्या ही पता कि जब हम पकड़ने जा रहे थे तो पाकिस्तान ने ही बता दिया होगा। लेकिन उन्होंने एक और बात भी की, वो मलेशिया से, मैं वो आपके साथ शेयर कर लूं। उन्होंने बोला कि अगर मैं, कहते आप पहले पाकिस्तान क्यों नहीं आए, कहते अगर पहले जाता तो ये कहा जाता कि पता नहीं मैं पाकिस्तान की ISI का कोई काम करता हूं, कहते इसीलिए मैंने मलेशिया जाने का वो समझा कि ये बेहतर है ना कि मैं पाकिस्तान जाने का, ये बात उन्होंने की थी। कहते कि फिर मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता ये कि मैं ISI के लिए कोई इस तरह का काम करूं, ये उन्होंने अपने पॉडकास्ट में बोला है, शायद आपकी नजर से भी गुजरा हो, अगर नहीं गुजरा तो आप उसको देख सकती हैं। ये नहीं, कहा मैं उसके सारे पॉडकास्ट मलेशिया में हुआ था अभी, मतलब पाकिस्तान में तो खैर अभी दो, मैं उसके साथ नहीं, आज मलेशिया वाला भी मैंने सुना है, पिछले जब से उसने वर्क बोर्ड पर अपना प्रचार करना स्टार्ट किया है, भारत के वर्क बोर्ड के अमेंडमेंट पर, तब से मैं उसको कंटिन्यूअसली सुनने की कोशिश में लगी हुई हूँ कि वो क्या क्या जहर उगल रहा है। देखिए, मरता क्या नहीं करता, और ऐसे ऐसे पाखंडी भगोड़ा और क्रिमिनल और टेररिस्ट का झूठ बोलना बहुत आसान होता है। और जब तुमको मलेशिया में जब तुमको आसरा मिल गया था, छत मिल गया था, तो फिर तुमको फिर वहां पर टेररिज्म एक्टिविटीज करने की क्या जरूरत थी?
और जब तुम भारत में थे तो ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि भारत में रहते हुए अपना इस्लामिक प्रीच करते हुए और बिहाइंड द कर्टेन अपनी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को फैलाते और पसाते हुए भी तुम पाकिस्तान के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए थे। तुम जाकिर नायक को ऐसा लगा कि पाकिस्तान चला जाता है तो जो जो केसेस है वो और भी दुनिया जो है वो समझेगी कि भाई ये कोई इस्लामिक प्रीचर नहीं है, ये भी हाफिज सईद है। तो वो खुद को हाफिज सईद नहीं बुलवाने के लिए वो पहले मलेशिया गया, उसके बाद कतर में कुछ दिन रहा, उसके बाद तेहरान में भी कुछ दिन रहा है, और उसके बाद फिर वो अपने खास मखसूस पसंदीदा जगह पाकिस्तान में पहुंच चुका है। चलें खैर, अब देखते हैं कि वो 28 के बाद तो मेरे ख्याल वापस चले जाएंगे, यहाँ नहीं रहने के लिए आए हुए हैं। लेकिन पर मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से फकर भाई एक बात कह रही हूँ कि वो दुनिया और पाकिस्तान के भोले भाले अवाम की नजरों में तो वो जरूर पता चलेगा कि वो पाकिस्तान से जा चुका है, पर वो रहेगा वही। मुझसे कल ही नेशनल न्यूज पेपर पूछ रहा था कि जाकिर नायक पाकिस्तान के मुसलमानों को क्या समझाएगा। मैंने कहा पाकिस्तान के मुसलमानों को कुछ समझाने को नहीं है, वो कुछ सीख लेगा पाकिस्तान के मुसलमानों से कि फेक ब्लास्फेमी में कैसे चीटरे उड़ाए जाते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा, जहाँ पे आपने देखा भारत की बेटी नाज़िया अली खान जी ने न सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि भारत का जो भगोड़ा डॉक्टर जाकिर नायक है जो आजकल पाकिस्तान में है उसके भी चीथड़े उठा के रख दिए। जैसे कि नाज़िया खान जी ने कहा कि कचरा कहाँ जाता है, कचरे के ढेर में, वैसे ही आजकल डॉक्टर जाकिर नायक जो है वो पाकिस्तान में है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।